हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश भाटिया, पूरन मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेक्चर टिश्यू कल्चर का। बेसिकली जो टिश्यू कल्चर है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, और दूसरा होता है पार्ट एनिमल टिश्यू कल्चर। बेसिकली यदि मैं कल्चर की बात करता हूं टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर मींस टू डेवलप अ टिश्यू प्लांट फ्रॉम अ टिश्यू बाय यूजिंग अ कल्चर। अ टिश्यू इज केप्ट इन अ कल्चर एंड अ प्लांट और मे बी एनिमल में डेवलप बाय दिस टेक्निक। सो इट इज़ ए टेक्निक, बेनिफिशियल टेक्निक टू डेवलप प्लांट्स और एनिमल्स। और जो हमारा सिलेबस है फार्माकोग्नोसी का, फोर्थ सेम का सिलेबस है जो हमारा, उसका ये चैप्टर है टिश्यू कल्चर। थर्ड चैप्टर है, यूनिट थ्री है एज पर PCI सिलेबस, यूनिट थ्री टिश्यू कल्चर की। और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, इसकी जो डेफिनेशन है बेसिक, वो क्या है कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल। इट इज अ इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल, मीन्स प्लांट सेल, प्लांट का कोई भी पार्ट सेल टिश्यू ली जाती है, चाहे वो लीफ है, चाहे रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे बार्क है, और उसको इन विट्रो मतलब बाहरी रूप से किसी मीडिया के अंदर, किसी मीडियम में डाल के उसको डेवलप करवाया जाता है प्लांट के अंदर। एंड देन दे कैन बी पॉड, और दे कैन बी मतलब उसको लगाया जा सकता है। प्लांट जब वो डेवलप हो जाता है, उसमें जड़ निकल आती है, तो उसको हम ग्राउंड में लगा सकते हैं उसको। सो इट मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट शेल और टिश्यू under aseptic and controlled environment condition। जो कंडीशन उस प्लांट को बाहर चाहिए होती हैं, जैसी धूप चाहिए होती है, जैसा पानी चाहिए होता है, कोई क्लाइमेट कैसा चाहिए, एटमॉस्फेयर, वही क्लाइमेट लैब के अंदर सेट किया जाता है टू डेवलप द प्लांट सेल इन विट्रो टेक्निक से। तो दैट इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं टू डेवलप प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो टोटल जो डेफिनेशन बनती है प्लांट टिश्यू कल्चर की, हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज इट इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल एनवायरमेंट कंडीशंस इन लिक्विड और एन सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम। लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थ्रू विच अ मास सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एक्सप्लांट टिश्यू। एक्सप्लांट अनदर वर्ड इज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट इज द वर्ड दैट इज पार्ट ऑफ प्लांट। बाई यूजिंग एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम और इन लिक्विड और सॉलिड मीडियम,
न्यूट्रिएंट मीडियम वी कैन ग्रो अ प्लांट दैट इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. द प्लांट टिश्यू कल्चर रेफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स विच नॉर्मली फॉर्म्स अ मल्टी सेलुलर टिश्यूज. और इसके अलावा इट इज अ टेक्निक ऑफ इनविट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स और ऑर्गन्स इज प्राइमरी डिवोटेड टू टू टेक्निक. नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की. नंबर एक, सबसे बड़ी जो एडवांटेज है टिश्यू कल्चर की, प्लांट टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स के केस में किया जाता है उसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है, नंबर एक, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. यदि कोई ऐसा मटेरियल है, रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल, क्रूड मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल है जो आपको अवेलेबल नहीं है या बहुत दूर से आता है या बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है जो आपको आसानी से नहीं मिलता है, तो यू कैन डेवलप दैट मटेरियल विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. सो दैट कैन इजी द अवेलेबिलिटी, दैट कैन मेक इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. उससे क्या होता है कि आपको एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, जहाँ से यदि मान लो कोई दूर से रॉ मटेरियल है या अनअवेलेबिलिटी है, एक्सपेंसिव है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो जाती है. और दूसरा, आपको यूनिफॉर्म सप्लाई, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इजी अवेलेबिलिटी. एंड यूनिफॉर्म सप्लाई of that medicinal plant or that raw material, you can avail this facility. Number 2, fluctuation in supply and quality. जो सप्लाई है या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उसमें फ्लक्चुएशन आती है. आपको यदि क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप टिश्यू कल्चर टेक्निक से एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट्स, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप, अच्छे क्लाइमेट के अंदर, अच्छे एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने डेवलप कर सकते हैं. उससे क्वालिटी इम्प्रूव होती है और सप्लाई यदि कम है तो सप्लाई को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, इनक्रीज कर सकते हो. आप अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई और उसकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो. यदि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट नहीं है, आता है, रॉ मटेरियल है, क्रॉप है, आपके कोई और यूजेबल प्लांट्स हैं, तो यू कैन इंक्रीज द सप्लाई एंड क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. थर्ड इज न्यू मेथड फॉर आइसोलेशन. आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स, आइसोलेशन मीन्स आइसोलेट करना, किसी चीज को अलग से निकालना. तो जो प्लांट्स के अंदर से कंपाउंड्स, आइसोलेशन का एक तरीका था केमिकली, जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं उस तरीके को, तो आप बायोलॉजिकली टिश्यू कल्चर की टेक्निक से, उसमें डिफरेंट टेक्निक से आप आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स भी कर सकते हैं. इट इज टू ऑब्टेन न्यू मेथड्स फॉर आइसोलेशन एंड न्यूअर कंपाउंड्स यू कैन आइसोलेट विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक. नेक्स्ट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ दैट टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायो ट्रांसफॉर्मेशन. एज द नेम इंडिकेट, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. और बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कन्वर्जन करना, कन्वर्ट कर देना, दैट इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द फंक्शनल ग्रुप, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेस बाई विच अ फंक्शनल ग्रुप of organic compound of organic compounds are modified. आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके एक्शन को कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो अ बेस्ट मेथड टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन. अनदर इज डिजीज फ्री प्लांट्स. डिजीज
फ्री एंड डिजायर्ड प्लांट्स, जिस चीज की आपको जरूरत है और जैसी जरूरत है वैसे आप प्लांट्स को तैयार कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, और दैट प्लांट में भी डिजीज फ्री आल्सो। उसमें किसी तरह की बीमारी, आप देखते हैं प्लांट्स में कई तरह की बीमारियां लगती हैं, तो आप टिश्यू कल्चर टेक्निक से डिजीज फ्री प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं और डिजायर्ड क्वांटिटी में। आपको यानी कि भी आपको कम या ज़्यादा, आप एक फिक्स क्वांटिटी में भी प्लांट्स को आप तैयार कर सकते हैं। अनदर एडवांटेज इज बायोसिंथेटिक पाथवे, बायोसिंथेटिक पाथवेज में भी जो प्रीकर्सर्स होते हैं, प्रीकर्सर्स और फ्रॉम वेयर द रिएक्शन में भी स्टार्ट इन बायोसिंथेटिक पाथवेज, दोज प्रीकर्सर आल्सो कैन बी आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक, दैट इज यूजिंग इन कल्चर मीडिया लेबल्ड प्रीकर्सर। लेबल्ड प्रीकर्सर्स जो कैन बी आइसोलेटेड बाय यूजिंग कल्चर मीडियम, दोज आर हेल्पफुल इन बायोसिंथेटिक पाथवेज। अनदर एडवांटेजेस ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर मेनली कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म बायोमास इज ऑब्टेन्ड, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड, दोज प्लांट्स आर मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, यहां पर भी हम बात कर चुके हैं, मेथड्स कैन बी आइसोलेटेड, यूजफुल नेचुरल कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड, नेचुरल आइसोलेशन कैन बी डन, ठीक है ना। तो ये सब एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक है। उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, देयर आर माइनर डिसएडवांटेजेस आल्सो ऑफ दिस प्रोसेस। नंबर एक, क्योंकि जहां एडवांटेजेस होती है वहां डिसएडवांटेजेस भी जरूरी है, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, नंबर एक, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड, मतलब आप कोई ऐसे साधारण तरीके से इसमें काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको असाधारण प्रतिभा चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए, जो टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट होगा वही इस काम को कर सकता है अच्छे से, बिकॉज इट इज़ अ टेक्निक प्रोसेस जिसमें बहुत माइनर टेक्निक से लेकर मेजर टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं जो कि एक एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकता है। सो इट इज़ इट्स डिसएडवांटेज कि एक आम आदमी, एक लेमैन इसको यूज़ नहीं कर सकता है। नंबर दो, ए स्मॉल एरर में लीड टू कंप्लीट कोलैप्स ऑफ प्रोडक्शन, ए स्मॉल एरर में लीड टू कंप्लीट कोलैप्स ऑफ प्रोडक्ट और प्लांट। स्मॉल एरर, छोटा सा एरर में लीड टू कंप्लीट कोलैप्स ऑफ प्रोडक्ट और प्लांट, कोई भी गलती, छोटी सी गलती ही पूरे प्रोसेस को खत्म कर सकती है और जो हमारी मेहनत है, जो पैसा लगा हुआ है इस काम में, वो खराब हो सकता है। सो इट इज ए मेजर डिसएडवांटेज कि आप गलती इसमें नहीं कर सकते इस प्रोसेस के अंदर। नंबर तीन, लॉट ऑफ केमिकल्स आर रिक्वायर्ड विद हाई प्योरिटी, लॉट ऑफ केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर विच मस्ट कंटेन हाई प्योरिटी, विथ हाई प्योरिटी केमिकल जो है वो हाई प्योरिटी के होने चाहिए, आप लोकल ग्रेड के केमिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है, कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडियम में लीड टू द डिप्रेशन ऑफ अनयूजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज, आप जब कल्चर को डेवलप करते हैं तो वो अनयूजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज की तरफ भी आपको ले जाता है कि अलग अलग तरह की रिएक्शन शो करता है, जो कि एक मींस एक दिखाने के लिए वो ऐसा हो जाता है कि आप गलत की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ तरह की डिसएडवांटेज है, इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी
एक्सपेंसिव, असेप्टिक कंडीशंस मस्ट बी देयर. विदाउट असेप्टिक कंडीशंस देयर इज नो बेनिफिट टू डेवलप द प्लांट विद टिश्यू कल्चर टेक्निक. कंडीशन शुड बी असेप्टिक. इट इज एक्सपेंसिव कंडीशन बिकॉज ऑल कंडीशंस मेंटेन्ड मस्ट बी सुटेबल विद देयर टेक्निक. So it may be expensive, cause some expense. So ये सब आपको बताया गया कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या रहता है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी डेफिनेशन, डिसएडवांटेजेस, तो उसके बारे में हमने बात की है. नेक्स्ट लेक्चर में इसमें बात करेंगे हम टिश्यू कल्चर. दिस इज पार्ट वन ऑफ टिश्यू कल्चर. यू कैन से यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर फॉर सैम पार्ट वन. और उसके बाद हम लेके आएंगे पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. कैसे कैसे हिस्ट्री में क्या क्या साइंटिस्ट का क्या रोल है, उस हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो ये आप देखते रहिए पूर्ण मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे. और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए. दोस्तों ये सब आपके लिए है कि आप घर बैठे इस कंडीशन में पढ़ाई कर सकें. ठीक है दोस्तों, धन्यवाद. और अब आगे मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में लेकर हिस्ट्री ऑफ टिश्यू कल्चर.